नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों की ओर। 93 जयंती पर याद किए गए किशोर कुमार। खंडवा, 4 अगस्त 1929 को खंडवा की धरती पर जन्मे हरफन मोहल्ला कलाकार किशोर कुमार की 29वीं जयंती देश दुनिया सहित उनके गृह नगर खंडवा में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही उनके प्रशंसकों द्वारा खंडवा के किशोर कुमार मुक्ति धाम स्थित उनकी समाधि पर उनके गाए गीतों को गुनगुनाने के साथ ही पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी प्रिय दूध जलेबी का भोग लगाया। इस अवसर पर उड़ान किशोर फैंस क्लब के अध्यक्ष मनीष गुप्ता सहित देश विदेश से खंडवा पहुंचे हरफन मौला किशोर कुमार के प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके निवास गौरी कुंज पहुँच कर केक काटा तथा एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। वहीं जर्जर और खंडर हो चुके उनके मकान को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संक्षिप्त कर किशोर कुमार का संग्रहालय बनाने की सरकार से अपील भी की। दिवंगत हरफन मौला फिल्म कलाकार किशोर दानी अपने जीवन में 16,000 से अधिक फिल्मी गाने गाए। इस आयोजन में जिला प्रशासन एवं नगर निगम के अलावा संगीत से जुड़े संस्थानों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए जो देर शाम तक जारी रहेंगे। किशोर कुमार के जन्म दिवस पर आज मेरी ओर से भी उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए एक उनकी ही गाया हुआ गीत गुनगुना रहा हूँ, फिल्म मेरे अपने का। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। आइए हम बात करते हैं उड़ान किशोर फैंस क्लब के अध्यक्ष महोदय से, जिन्होंने मुहिम छेड़ी है खंडवा में जन्मे किशोर कुमार के घर को संरक्षित करने के लिए शासन प्रशासन एवं केंद्र शासन से बात करते हैं उनसे। जी बताइए मनीष जी, क्या चाहते हैं और किस प्रकार की मुहिम आपने छेड़ रखी है? इस प्रकार आप ये किशोर दा का घर देख रहे हैं, ये जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। ये 100 पुराना घर है, लेकिन ना तो शासन को इसकी चिंता है और ना ही उनके परिवार वालों को चिंता है। किशोर दा ने गीत गाया था, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। किशोर दा चाहते थे कि कभी अलविदा ना कहना और वो खंडवा में बसना चाहते थे, लेकिन उनके परिजन और जिला प्रशासन की लापरवाही कह सकते हैं कि उसके घर के लिए कोई बड़ी मुहिम नहीं चल पाई। इसलिए हमने एक संगठन तैयार किया, उसके माध्यम से हम एक मुहिम चला रहे हैं पूरे देश में कि किशोर दा के घर को मध्य प्रदेश शासन हेरिटेज घोषित करें और किशोर दा के घर को इससे बचाना है। इसको लेकर मध्य प्रदेश शासन इसको एक संग्रहालय बनाए, राष्ट्रीय संग्रहालय, क्योंकि किशोर दा तो जो चाहने वाले हैं इसको घर नहीं मानते, इसको मंदिर मानते हैं, इसको पूजा करते हैं, इसकी अर्चना करते हैं। हमारी मध्य प्रदेश शासन और देश के जो केंद्र सरकार है उनसे भी एक ही मांग है कि इसको राष्ट्रीय संग्रहालय बनाए और मध्य प्रदेश शासन इस घर को बचाने के लिए इस घर को हेरिटेज घोषित करें। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर जितने भी खंडवा वासी है उनका भी यही मानना है, जिस प्रकार से ये जो बताया मनीष जी ने कि ये मुहिम में उनको बढ़ चढ़ कर भाग लेना होगा ताकि ये मकान को जो कि किशोर कुमार के हरफन मोहल्ला कलाकार जिन्होंने विश्व में खंडवा का नाम प्रज्वलित और उज्ज्वलित किया है। खबर समय जगत से दीपक चावरे की खास रिपोर्ट। हमारे साथ तेलंगाना से जुड़े हुए एक प्रशंसक जो मौजूद हैं, खंडवा आए हैं किशोर दा के जन्मदिवस पर, अपने अंदाज में ही वो योडलिंग करके बताएंगे और शायद वो मेरे साथ में भी थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। आपको तो मालूम है कि किशोर दा योडलिंग किंग थे, योडलिंग या म्यूजिक के किंग थे और योडलिंग उनका स्पेशलाइजेशन था और हर गीत में थोड़ा सा योडलिंग रहता था, चाहे वो दर्द भरा भी गीत हो तो थोड़ा सा ऐड करते थे किशोर कुमार। फॉर एग्जाम्पल अगर दर्द भरे गीत अगर सुनाऊँ तो फूलों का तार हाँ करके बीच में जो लाता ना वो भी योडलिंग का ही उसका ये रहता था एक्चुअली। और एक छोटा सा पेश करना चाहता हूँ, नखरे वाली आप भी गुनगुनाई, नखरे वाली और
झुमरू बन के झुमरू मैये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। जी आज आपकी प्रतिभा एक और सामने आई है, जिस प्रकार से आपका द्वारा अच्छा सुशासन किया जा रहा है नगर निगम में, उसी प्रकार आज किशोरदा के जन्म दिवस पर आपने एक अच्छा गाना, सुरमई गाना सुनाकर लोगों को अभिभूत कर दिया, क्या कहेंगे? आप सभी का धन्यवाद। फिर से मैं कोई गायक नहीं हूँ, पर हाँ मुझे संगीत का शौक है, तो मैं कभी कभी ऐसे घर में गुन गुना लेती हूँ। तो आज श्रद्धांजलि के रूप में मैंने एक गाना गाया, आप लोगों को पसंद आया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। अपना परिचय दें, अपना परिचय दें। धनबाद से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ दीपक चावड़े की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।